हेलो गाइस, वेलकम टू माय टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल। आज मैं आपके सामने मोस्ट अमेजिंग टॉप 3 व्हाट्सएप ट्रिक्स लेके आया हूँ। नॉर्मली जब हम फोटो को व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत लो हो जाती है, और वीडियो का साइज 16 MB से ज़्यादा हो तो आप वीडियो को सेंड कर ही नहीं सकते। फर्स्ट व्हाट्सएप ट्रिक में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे आप अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को बिना एडिट करें उनके एक्चुअल साइज़ में किसी को भी सेंड कर सकते हैं। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड स्लो है या टाइप करने में कभी कभी आपको आलस आता है तो सेकंड व्हाट्सएप ट्रिक में आप बिना टाइप करे किसी को भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, और वो भी अपनी फेवरेट लैंग्वेज में। थर्ड व्हाट्सएप ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप अनलिमिटेड फोटोज़ और वीडियोज़ को कैसे सेंड कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप में आप 10 मीडिया फाइल से ज़्यादा सेंड नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, द मोस्ट अमेजिंग टॉप 3 व्हाट्सएप ट्रिक सीखने के लिए ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा मैंने आपको बताया था, फर्स्ट व्हाट्सएप ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि जिससे आप अपनी फोटोज़ और वीडियोस को बिना एडिट करें उनके एक्चुअल साइज में सेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले अपना कैमरा ऑन करना है। उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ जो एक्चुअल में हम फोटो क्लिक करते हैं और उसको जब सेंड करते हैं तो उसके साइज में कितना डिफरेंस आता है। उसके लिए मैं अपना कैमरा ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए, इस कीबोर्ड की मैं अभी एक फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ, और इसकी डिटेल्स में जाके मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इसका साइज़ कितना शो कर रहा है। क्लिक होने के बाद यहाँ पे मैंने टैप करा, अब मैं आपको इसकी डिटेल्स दिखाता हूँ। मोर पे क्लिक करने के बाद डिटेल्स पे मैंने क्लिक करा, और ये देखिए 2.80 MB ये फाइल साइज़ है। अगर आप इसको एज इट इज़ व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे तो इसका साइज़ देखिए कितना कम हो जाएगा। अभी आपके सामने मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपना टिप्स एंड ट्रिक्स का कॉन्टैक्ट सिलेक्ट कर लिया है, अब यहाँ से मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए फाइल यहाँ से सेंड हो चुकी है। अब जो सेंड करी हुई फाइल है उसका साइज़ कितना है, इसका साइज़ है 72.18। कहाँ आपके जो फ़ोटो का एक्चुअल साइज़ था 2.80 था, और ये 72.18 KB हो गया, वो MB था और ये KB। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप कोई भी वीडियो 2 मिनट 50 सेकेंड से ज़्यादा होगा या 16 MB से उसका साइज़ ज़्यादा होगा तो आप उसको सेंड नहीं कर सकते। ये देखिए, इस वीडियो का जो साइज़ है 36.40 MB और ड्यूरेशन है 7 मिनट 19 सेकंड्स। अगर आप इस वीडियो को एज इट इज़ व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे तो आप 16 MB से ज़्यादा सेंड नहीं कर सकते, ये आप सब जानते हैं। मैं भी आपको सेंड करके दिखाता हूँ, देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी। शेयर करने के बाद मेरे व्हाट्सएप की कॉन्टैक्ट लिस्ट आई थी, और जिसके साथ मैं ये वीडियो शेयर करना चाहता था, जैसे ही मैंने उसके नेम पे टैप करा, अब आप ये देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है 7 मिनट 19 सेकंड्स और 41 MB। तो यहाँ ऑटोमेटिकली इसने ये कटर दिखा दिया कि मैं कितना साइज़ ले सकता हूँ, मैक्सिमम 2 मिनट 50 सेकंड और 16 MB। तो इसके लिए हमारे साथ कितनी बार होता है कि हम जो कहीं वीडियो बनाते हैं और उसके लिए फिर हमें इसको कट करना पड़ता है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके फिर सेंड करना पड़ता है। अब मैं बहुत सिंपल और ईजी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप कितना भी हैवी साइज़ हो, चाहे 50 MB, 100 MB, 1 GB, 2 GB, आप ईजिली व्हाट्सएप पे बिना किसी सॉफ्टवेयर के सेंड कर सकते हैं। आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना है और वो फोटो को ओपन करना है। यहाँ पे आप इसे 2 सेकंड्स तक टैप करिए तो नीचे ऑप्शंस आ जाएगी। यहाँ पे मोर पे क्लिक करने के बाद रीनेम करना है, और आपने JPG को डिलीट करके TXT टाइप करना है, एंड ओके, कंफर्म रीनेम, ओके। अब ये फाइल आपकी TXT हो गई है। आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, व्हाट्सएप कभी भी टेक्स्ट फाइल को कंप्रेस नहीं करता। अगर अब मैं इसको यहाँ से शेयर करूँगा, प्रेस करने के बाद मैं शेयर करूँ, देखिए फाइल यहाँ से सेंड हो चुकी है। मैं आपको इसकी लोकेशन में जाके इसका एक्चुअल साइज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, अब मैं उस लोकेशन पे आ गया जहाँ पे वो TXT फाइल सेव हो गई थी। अगर आप इसके साइज़ को नोटिस करें तो 2.80 MB वही साइज़ है जो हमारी फ़ोटो का था। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको 2 सेकंड्स तक प्रेस करना है, और फिर से इसको रीनेम कर देना है .jpg एंड ओके, देन कंफर्म 2.80 MB, और ये देखिए आपकी एग्जैक्ट वही फ़ोटो वहाँ पे सेंड हो गई। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, वीडियो में भी .txt टाइप करके आप उसे सेंड कर सकते हैं। ये ट्रिक सीखने के बाद आप व्हाट्सएप में अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोस को उनके एक्चुअल साइज़ में इजीली सेंड कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड व्हाट्सएप ट्रिक की तरफ।
सेकेंड व्हाट्सएप ट्रिक के लिए आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग्स में आना है और वहाँ पे कीबोर्ड की ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेरे यहाँ पे गूगल वॉइस टाइपिंग आ रहा है, मैं भी आपके वहाँ पे सिर्फ गूगल वॉइस आ। गूगल वॉइस में आने के बाद आपको यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी लैंग्वेज है, अभी मैं आपको सिर्फ एक हिंदी लैंग्वेज का एग्जाम्पल दिखाऊँगा। स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे हिंदी भारत को सिलेक्ट करना है एंड सेव। बाद आप व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट्स में जाइए और जिससे आप चैट करना चाहते हैं आप उसका अकाउंट ओपन करिए। व्हाट्सएप में आने के बाद नीचे यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये जो कॉर्नर पे कीबोर्ड में माइक का आइकॉन देख रहे हैं राइट साइड में, यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना मैसेज देना है, जैसे अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेंगी। और फिर से आपको माइक बटन पे क्लिक करना है। तो देखो फ्रेंड्स कितना सिंपल है, अगर आप अपने साथ कोई काम कर रहे हो और आपने किसी को मैसेज देना है तो आप इजीली मैसेज दे सकते हैं। ये मैंने आपको एक हिंदी का एग्जांपल दिखाया, आप लैंग्वेज में इंग्लिश इंडिया भी सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थर्ड व्हाट्सएप ट्रिक के लिए आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर ES फाइल एक्सप्लोरर को इंस्टॉल करना ज़रूरी है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसको ओपन करने के बाद आपको अपनी वो स्टोरेज सिलेक्ट करनी है जहाँ से आप अपनी फाइल्स को व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मैं अपना फोल्डर ओपन कर चुका हूँ, अब यहाँ से मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाऊंगा फोटोज़ को। मैंने अपनी 20 फोटो सिलेक्ट करी है। आपको बॉटम राइट साइड में मोर की जो ऑप्शन दिख रही है जिसमें 3 डॉट्स है उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आप कंप्रेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से .zip एक्सटेंशन पे रहने दीजिए। अब वो आपसे पासवर्ड के लिए पूछ रहे हैं तो अभी मैं आपके सामने यहाँ पे 1 2 3 4 5 शो पासवर्ड 1 2 3 4 5 मैंने पासवर्ड सेट करा और zip फाइल में मैंने इसको ओके कर दिया। कंप्रेस होने के बाद .zip के नाम से ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है, आप इसे प्रेस करेंगे और इसको भी रीनेम करके .txt करेंगे एंड ओके। अब यहां से इस फाइल को आपने प्रेस करना है और मोर में जाके इसको शेयर करना है। अब देखिए मैंने ये फाइल को शेयर कर दिया, अब इसकी लोकेशन आपको दिखाता हूं। ये देखिए मैंने इसकी लोकेशन ओपन कर दिया है। अब यहां पे इसको आपने प्रेस करके रखना है, इसको रीनेम करना है txt से zip में zip एंड ओके। ये अब आपकी zip फाइल क्रिएट हो चुकी है जो वहां से साइन कर दी। अगर आप इस पे टाइप करेंगे उसके बाद ये पूछेगा आपको किस में ओपन करना है, आप बाय डिफॉल्ट किसी पे भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये ओपन हो चुका है और इसमें वही 20 इमेजेस है। अब आप देखिए अगर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे ये पासवर्ड पूछेगा और वहाँ पे जो मैंने पासवर्ड टाइप करा था 1 2 3 4 5 उसके बाद आप इसको ओपन करके इजीली देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप ES फाइल एक्सप्लोरर को यूज़ करेंगे तो ये तीनों ट्रिक्स बहुत यूज़फुल रहेंगी। आई होप फ्रेंड्स ये व्हाट्सएप की तीनों ट्रिक्स आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।